इतने दिनों की देश के लोगों की डिमांड के बाद आज प्रधानमंत्री साहब बोलने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इतना समय खराब करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब लगातार संसद में आते थे और उनके ऑफिस से सदन का ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट का फासला है। अगर वो पैदल चल के सदन में पहले दिन ही आ जाते, दूसरे दिन आ जाते, तो मणिपुर पे बात रख लेते, तो मैं समझता हूँ कि लोगों का टाइम ख़राब ना होता, लोग वहाँ प्रोटेस्ट ना करते। राघव चड्ढा की जो प्रिविलेज नोटिस पे आप क्या कुछ कहेंगे आज? आप सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 9 MPs से राघव चड्ढा जी ने अपनी बात स्पष्ट की है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं गलत बयानबाजी करके उनकी छवि को ख़राब कर रहे थे, वो वहाँ उन्होंने अपना जो पक्ष है वो रखा है। सो मैं समझता हूँ कि देश के लोगों के आगे आज उन्होंने सच्चाई रखी है।